जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस मॉडल को बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसका ड्राइंग एंड डायमेंशंस देख लेते हैं क्या क्या है। ये इसका ड्राइंग डायमेंशन है, आप इसको पॉज करके अच्छे से देख लें। इसका लिंक पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आ जाते हैं, अपने न्यू पार्ट फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके सर्किल स्मार्ट डायमेंशन, ये इसका रेडियस है 30 रेडियस है, सॉरी डायमीटर है। लाइन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कहीं से शुरू करते हैं, इसको कुछ स्लोप पे, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, कोलिनियर इससे, फिर ओरिजिन से लाके मीट कर देंगे। मीट करने के बाद इस लाइन को कंट्रोल, इस लाइन को सेलेक्ट करके और कोइंसिडेंट का रिलेशन देंगे। अब इसको डायमेंशन देते हैं, डायमेंशंस देते हैं, ये डायमेंशन है 47। यहां से यहां तक का डायमेंशन है 47 और ये डायमेंशन हमें गिवन है 15 गिवन है, ये और ये डायमेंशन गिवेन है 12.5 और ये डायमेंशन हमें गिवेन है 7.5 एंटर। और इस ओरिजिन से ये पॉइंट हमें 80 गिवेन है। ये स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब इसके लिए हम एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से इसको करके और अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ट्रिम कर लेते हैं। फुली डिफाइंड हो चुका है। अब इसको रिवॉल्व बेस बॉस पे क्लिक करेंगे और इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर देंगे। ओके, यहाँ पे स्केच इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करके और यहाँ से यहाँ तक हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मिरर ले लेंगे, इस लाइन को, और मिरर अबाउट इस लाइन। ओके, अब डिस्टेंस ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 7। ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं, ये और ये। अब इसको हमें एक्सट्रूड करना है 15 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, अब ये तो बन के रेडी हो गया। अब ऊपर से कटआउट करना है, तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच, और यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। ये ले लेंगे। अब इसको एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करेंगे, ये नीचे की ओर कटने को बोल रहा है, तो इसको ऑफसेट देंगे, 10 mm का ऑफसेट देंगे। डायरेक्शन रिवर्स करेंगे और
ओके कर देंगे। ये कटआउट हो गया। अगेन इसी स्केच को सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करेंगे और इस बार भी ऑफसेट देंगे 10 mm का, लेकिन इस बार ऑफसेट रिवर्स कर देंगे तो ये नीचे से कट जाएगा। ये ओके। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके और ओरिजिन पे हमें एक 12 डायमीटर का एक कटआउट बनाना है। ये कटआउट बन के रेडी हो गया और ये हमारा सिंपल मॉडल बन के भी रेडी हो चुका है। अब इसको कुछ मटेरियल असाइन कर लेते हैं। ये देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।